और ऐसे ही सफर करते रहो। इसी खुशी में मैं जो ये मिठाई मंगवाया हूँ मैं भी खा रही हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों के चलते ये खुशी जो है मुझे मिल रहा है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मेरा सुबह का 7:30 बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी उठ गई हूँ और उठ के जो है मैं बालकनी में खड़ी खड़ी थोड़ा सा इधर का नज़ारा देख रही थी, सुबह का नज़ारा देख रही थी। कल तो मैंने आप लोगों को दिखाया था उस दिन कि इधर में फूल खिला था, तो अभी मैंने जस्ट एक कुछ चीज़ देखा, इसके चलते मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वहाँ पर ना कद्दू, आप लोग जानते होंगे कद्दू पम्पकिन, उसका पौधा ऐसे बीजा लगाए थे, उसमें से पौधा निकला था और उसमें ना फूल खिला है, तो आप लोगों को दिखाते हैं कितना प्यारा सा लग रहा है एकदम। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो, देखो दो पीले पीले फूल वहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये है कद्दू का फूल। और मैंने जब लगाया था ये बीजा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसमें से पौधा भी निकलेगा और ये बड़ा भी होगा थोड़ा सा और फूल भी खिलेगा। पता नहीं, दो तीन दिन से कुछ मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है और कुछ नया नया चीज़ मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। और अभी जो है दोपहर हो चुका है, 12:01 बज रहा है अभी, पूजा पाठ हो गया मेरा और उसके बाद भी अभी खाना बनाएंगे, लंच बनाएंगे। और ये देख पा रहे हो, ये है कलमी का साग जो हम कल मार्केट से आ रहे थे, जब सदर बाज़ार से उस टाइम पे मैं लेके आई थी, तो लास्ट मतलब 9:30 बज रहा था इसलिए लेट आई थी बोल के 15 रुपये में मेरे को 2 गड्डी कलमी का साग मिला था, नहीं तो ये लोग 20-20 रुपये का एक एक गड्डी बेचता है, तो मेरे को बहुत सस्ते में मिल गया था। मिर्ची भी लेके आई थी, 30 रुपये का एक पाव मिलता है, मतलब 250 ग्राम मिलता है हरा मिर्ची 30 रुपये का, तो मुझे 20 रुपये में मिला था। तो मुझे लगता है ना, लेट शॉपिंग करने मतलब सब्जी वब्जी खरीदने जाने से फ़ायदा होता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन वही है थोड़ा सा अच्छा चीज़ मिलने का चांस थोड़ा कम रहता है। अभी बात करते थे, मैंने कलमी का साग जो है काट लिया और उसके लिए मैंने हरी मिर्ची और अदरक घिस लिया था, हरी मिर्ची को चीरा लगा के अदरक को घिस के लिया और यहाँ पे सरसों का तेल गरम करके उसके अंदर कलौंजी होता है कलौंजी दे दिया, ब्लैक सीड, ब्लैक क्यूमिन सीड, और उसके बाद में उसके अंदर में अदरक हरी मिर्ची और दे दिया थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, उसके बाद कटा हुआ कलमी का साग दे के स्वाद अनुसार नमक दे के इसको अच्छे से ऐसे चलाते जाएंगे और हल्का सा ढक देंगे बीच बीच में, ढक के 2 बार मैंने ढक दिया था, बीच बीच में चला दिया था और अभी ये पक चुका है, आप लोग देख ही पा रहे हो ये हो भी गया है। अब इसको निकाल लेंगे एक छोटा सा प्लेट में और ये कलमी का साग एकदम खाने में गर्म गर्म चावल के साथ में अच्छा लगता है। इसके साथ में है दाल और है इसके साथ में हमारा अरबी की सब्जी, ये है अरबी की सब्जी। और आज है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को मैं प्याज लहसुन कुछ खाती नहीं हूँ, तो इसलिए कोई भी खाने में हमारा प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आलू की भुजिया, साथ में रहेगा चावल। हेलो दोस्तों, कल हमने जो ब्लॉग स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जो भी चीज़ लेके आई हूँ सदर मार्केट से वो सब चीज़ आप लोगों को कल दिखाऊंगी, तो ये है वो झोला जिसके अंदर में वो सारा सामान रखा है वैसे का वैसा। और आज का पूरा दिन आप लोगों को सुबह का नज़ारा दिखाने के बाद, खाना बनाने के बाद में बाकी और भी काम था और कल जो ब्लॉग बनाई थी वो वाला वीडियो भी एडिटिंग करना था, बाकी थोड़ा काम वाम था तो इसलिए दिखा नहीं पाई थी और अभी दिखाती हूँ। तो ये इस पे है गोपू जी का सारा कुछ सामान, तो कल हमने गोपू जी के लिए बहुत कुछ ले जाए थे हम लोग। तो ये है पहला गोपू जी का ये प्यारा सा कपड़ा मतलब वस्त्र एक, और ये वाला, ये सारा चीज जो है मेरा बेटू का पसंद का है, ये देखिए ये वाला प्यारा सा, और इसके अंदर में गोपू जी का है छोटा छोटा कच्चा सब है, और ये नाइट सूट है, ये देखिए छोटू छोटू एकदम छोटू, ये वाला एक नाइट सूट है गोपू जी का, और ये है 2 खिलौना गोपू जी का, और ये है गोपू जी के लिए सेंट या इतर जो भी है 2 इसमें है, और ये गोपू जी का नहाने का जो होता है साबुन नहीं क्लीनिंग वाला,
प्रोसीजर है, क्लीनिंग प्रोसीजर कैसे क्लीनिंग करते हैं सब लिखा है। क्लीनिंग करने का ही कोई एक चीज़ है, मैं पहली बार लाई हूँ, मुझे पता नहीं, अभी भी मुझे बहुत सारा चीज़ पता नहीं है। गोपू जी को कैसे सेवा पानी करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो एक साल होने वाला है गोपू जी हम हमारे घर आए हैं, और मुझे गोपू जी का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है अभी एक साल बाद। ये है गोपू जी के लिए एक गले का सेट, और ये भी है ये डेली सब पहनने के लिए उनके लिए, और ये एक और है कच्छा, और ये एक है गले में पहनने का गोपू जी का, और ये है उनके पगड़ी एक पिंक कलर का। जब इनको मैं पहनाऊंगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर तो करूंगी। और ये तीन पगड़ी, ओहो दो पगड़ी सेम हो गया बाय मिस्टेकली, पता नहीं चला ना हर बड़ी में ऐसे होता, दोनों सेम हो गया है। हाँ कोई बात नहीं। और ये है तो तीन कक्षा में लाई थी कल, और गले का सेट ये एक लाई हूँ, ये वाला भी अच्छे में है, और ये एक है जिसमें उनका सर का मुकुट वगैरह भी है, सब कुछ है पूरा सेट। ये मेरे गोपू जी के लिए है, एक ही और चीज़ होगा, एक और अच्छा है। तो इतना सामान मेरे प्यारे गोपू जी के लिए है, और बाकी अभी हम लोगों का दिखाते हैं। इसमें मैंने फिर वो लिया था दोस्तों कि गोल्डन कलर का बैंगल्स लिया था, जन्माष्टमी आने वाला है, जन्माष्टमी में पहनने के लिए मैंने ये सोचा कि गोल्डन कलर ले लेते हैं। गोल्डन कलर तो सब में चल जाते हैं, ये देखिए ऐसा है प्यारा सा गोल्डन कलर का ये बैंगल्स, और इसमें बेटू के लिए दोनों बच्चों के लिए दो बेल्ट है, ये 100-100 रुपया करके है, ये भी 100 रुपया का था। और क्या, और ये वाला चश्मा जो उस दिन नंबर देख रहे थे, मैं ये वाला लेके आई थी, मैं ऐसा है ठीक है। और क्या लाई थी, और लेके आई थी ये वाला झुमका, ये वाला झुमका मैं लाई हूँ, मेरा साड़ी है उसके साथ मैचिंग करके मैं लेकर उसके साथ पहनने के लिए। तो जब पहनेंगे तब आप लोग देखना, ये बहुत ही प्यारा, ये भी 100 रुपया का है, बहुत ही प्यारा है। और ये है मेरा अंदर पहनने वाला बनियान, और ये है जूती, ये वाला जूती मैं लेके आई हूँ कि कल मैंने जो ड्रेस पहना था सदर गई थी उसके साथ में ये वाला जूती जा रहा था, मैचिंग हो रहा था, तो मैंने ये जूती लिया, बहुत ही प्यारा सा जूती है। और इसके अंदर में शूज है, अभी क्योंकि ठंडी आ रही है ठंडी में पहनने के लिए तो शूज लिया। और ये वाला शूज जो है मेरे बेटू का चॉइस का है, उसने मुझे पसंद करके दिया, उसने बोला कि मम्मी ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है आप ले लो, तो मैंने लिया, उसको पसंद का बहुत ही प्यारा, और उसके लिए भी लाए, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो दोस्तों अभी जो है मैं जब आप लोगों को सामान दिखाई थी इसी के बीच हमने बिग बास्केट से कुछ मंगवाया था, वो है ये मिठाई का डब्बा, ये किस खुशी में वो भी बता दूँ, क्योंकि आज कितनी तारीख को मेरा एक वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जो कि है जब हाले दिल करके एक तो गाना है जिसमें मैंने डांस किया था, और वो वाला वीडियो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था, और जो कि आज दोपहर से लेकर अभी शाम तक के अंदर में वायरल हुआ है, फर्स्ट वीडियो मेरा यूट्यूब में वायरल हुआ जो कि 38K मतलब 38K हुआ है, और जिसकी खुशी के चलते और जिसके चलते मुझे 160 के आसपास मेरे को सब्सक्राइबर भी आया है न्यू, और आप सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। इसी खुशी में मैं जो ये मिठाई मंगाया मैं भी खा रही हूँ, और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आप लोगों के चलते ये खुशी जो है मुझे मिल रहा है, और जो भी है तो आप लोगों के साथ मुझे सेलिब्रेट करना बनता है ना दोस्तों, और जिस दिन 10K हो जाएगा तब और भी अच्छे से
सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग ऐसे ही बस साथ देते रहो मेरा। ये है मिठाई, ऐसे हम कल भी मिठाई लेके आए थे क्योंकि कल राखी पूर्णिमा था और हमारा गोपू जी को भी भोग में मिठाई देना था बोल के कल हम लेके आए थे। वो तो खत्म हो गया क्योंकि कल भोग लिए थे। और ये अभी सबसे पहले मैं गोपू जी के सामने रखती हूँ, उसके बाद में हम लोग खाएंगे, ठीक है। अभी मैं सबसे पहले गोपू जी को भोग में लगाती हूँ, मिठाई पूरा डब्बा ही वहाँ पे रखती हूँ गोपू जी के सामने। हमने गोपू जी के सामने भोग रख दिया है और मैंने खिला भी दिया गोपू जी को। और गोपू जी को मैंने ऐसे रात का वस्त्र जो है पहरा भी दिया था ताकि गोपू जी को अभी सुला भी देंगे खा पी। एक बार तो मैंने अभी रात का खाना उनको दे दिया था, तो अभी मिठाई आया तो मैंने सोचा गोपू जी को भोग भी लगा देती हूँ, अभी खिला पिला के उनको सुला देंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने गोपू जी को भोग भोग लगा दिया है। मैं पूरा ही रख देती हूँ, जो मिठाई वगैरह जो मैं लेके आती हूँ तो मैं पूरा का पूरा डब्बा पकड़ के भोग वहाँ पे सबके लिए रख देती हूँ। ऐसे अलग अलग से नहीं देती हूँ, पूरा का पूरा देती हूँ। पूरा ही भोग लग जाता है फिर हम लोग खाते हैं। तो अभी जो मिठाई आया मैंने वैसे ही किया था, सब लोग अपने फेवरेट करते मैं ऐसे करती हूँ। तो अब लोगों के साथ में सेलिब्रेट करते हैं मेरा फर्स्ट वीडियो वायरल होने का खुशी, ठीक है। तो इसके लिए ये मिठाई मैं खाती हूँ, आप लोग भी खाइए मेरी तरफ से। रसगुल्ला मेरा फेवरेट है, गुलाब जामुन भी मेरा फेवरेट है, लेकिन ये थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है तो ये वाला इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो वाला सॉफ्ट सॉफ्ट होता है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वाला। फ्रेंड्स, ये देख पा रहे हो आप लोग कितना प्यारा सा ये जूती है। है तो थोड़ा सा महंगा, ये 650 रुपये लिया है। बहुत ही प्यारा जूती है, बहुत ही सुंदर है। और मेरे ड्रेस के साथ में भी जा रहा था मस्त एकदम। और ये है मेरे बाबू का शूज़, स्कूल के लिए लिया है। ये स्कूल के लिए ब्लैक वाला है, ये वाला भी है। ये तो स्कूल के लिए भी है और बाहर भी जा सकता है, उसको ये वाला पसंद आया। ये थोड़ा महंगा, ये 850 रुपये का है। ये 300 साढ़े 300 के आसपास का है। बहुत ही अच्छा शूज़ है, ये वाला भी 70 से लाए हैं हम कल। ये दोनों ही लेने के लिए गए थे लेकिन बाकी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो मैंने उस दिन ख़त्म नहीं किया था। और ख़त्म किया मैंने दिखाया आप लोगों को कौन सा चीज़ अच्छा लगा मुझे गोपू जी के लिए। मैं बहुत कुछ मेरे को लेना था, मैं लेके आया और भी बहुत कुछ लाना है। अभी गोपू जी के लिए झूला लाना है, बेलून्स लाने हैं, सब कुछ करना है। अभी जन्माष्टमी का बस 5-6 दिन और 6 तारीख होगा ना, तो आज से 31 तारीख है और 5 दिन ही बाकी है। और मुझे सब कुछ लाना है गोपू जी के लिए, सुंदर करके सब कुछ सजाना है मंदिर को और बहुत कुछ मतलब मैंने सोच के रखा है। पता नहीं क्या क्या करूँगी, जो भी कुछ करूँगी आप लोगों के साथ जरूर से शेयर करूँगी। और आप लोग मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा जो सब मैंने खरीदा। और क्या बताऊँ, और आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।